हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं सांभर रेसिपी, जिसे हम बहुत इंस्टेंट बनाने वाले हैं। जिसके लिए हम ले लेंगे आधा कटोरी तुअर दाल, दो कटी हुई हरी मिर्चें, एक कटा हुआ प्याज। हम इसमें कुछ वेजिटेबल ले लेंगे, तो हमारे पास ये गोभी, कद्दू और ये बैंगन है, तो हमने इसे कट कर लिया है। आपके पास जो वेजिटेबल हो आप उसे डालें। तो चलिए हम बना लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने ले लिया है प्रेशर कुकर। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच ऑयल। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें। इसमें ऐड करना है 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसमें अपने वेजिटेबल ऐड कर देंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे थोड़ी देर हमें भून लेना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे तुअर दाल। अब हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। पानी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने इसमें 1.5 ग्लास पानी ऐड किया है। अब हम इसमें आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड कर लेंगे। मैंने इसमें 1.5 चम्मच सांभर मसाला पाउडर ऐड किया है। अब मैं साथ में इसमें इमली भी डाल रही हूँ। आप चाहे तो इमली का पल्प भी यूज कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें 1 टुकड़ा गुड़ का भी ऐड कर लेंगे। अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसे बॉईल होने देंगे। फ्रेंड्स, हमारी दाल बॉईल हो चुकी है। इस तरह से हमने दाल को बॉईल कर लिया है। इसमें पानी बहुत कम है, इसके लिए हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हमें इसमें गर्म पानी ऐड करना है। पहले हम इसे चम्मच की मदद से इस तरह से मैश कर लेंगे। हमें ज्यादा मैश नहीं करना है। अब हम इसमें गर्म पानी ऐड कर देंगे। आपको जितना सांभर बनाना है आप उतना गर्म पानी ऐड करें। अगर हमें दाल की कंसिस्टेंसी बढ़ानी है तो हमें इसमें गर्म पानी ही ऐड करना है, ठंडा पानी नहीं डालना है, क्योंकि गर्म पानी से दाल का टेस्ट दुगना हो जाता है। अगर हम इसमें ठंडा पानी यूज करेंगे तो हमारी दाल का टेस्ट बिगड़ जाएगा। फ्रेंड्स, हमें इसमें 1 बॉईल आने देना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कटा हुआ हरा धनिया। फ्रेंड्स, हमारी दाल में बॉईल आ चुका है। अब हम इसे साइड में रख देंगे और इसके लिए तड़का रेडी कर लेंगे। हमने गैस पर 1 तड़का पैन रख दिया है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। हमने इसमें 2 चम्मच ऑयल ऐड कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 चम्मच राई। थोड़ी सी हींग ऐड करेंगे। करी पत्ता ऐड करेंगे। इस तरह से हमने 2 लाल सूखी मिर्चें ले ली है, इसे ऐड कर देंगे। हमने एक बाउल में इस तरह से अपनी दाल निकाल ली है। अब हम इसके ऊपर तड़का ऐड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने अपना सांभर रेडी कर लिया है, जिसे बनने में सिर्फ 15 से 20 मिनट का वक्त लगा है। आप भी इस तरह से इंस्टेंट सांभर रेसिपी बनाइए।
और आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसे आप इडली या डोसे के साथ खा सकते हैं। इस तरह से सांबर को इडली के साथ सर्व करें। मैंने आपके साथ इडली की भी रेसिपी शेयर की है और मसाला इडली की भी रेसिपी शेयर की है। आप इसे इडली या डोसे के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।